हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में डैशबोर्ड क्रिएट करना। तो ऑलरेडी मैंने यहां पर देखिए एक डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मंथ वाइज सेल है, टॉप 5 स्टेट सेल है, सेल्स वाइज सेल्स पर्सन है, टॉप 10 कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने देखिए स्लाइसर ऐड कर रखे हैं। तो स्लाइसर का यूज हम क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ किसी मंथ में क्लिक कर रहा हूँ मई में, तो आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब मैं अगस्त में अगर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक सारा कुछ है, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करूँ अगर, और उसके बाद मैं अगर स्टेट वाइज को ये डेटा लेता हूँ, तो देख रहे हो जैसे मैंने हरियाणा पर क्लिक किया है तो हरियाणा की ये सेल आ गई है पूरी, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर कर्नाटका करता हूँ तो कर्नाटका इस तरह से यहाँ हो रहा है रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लेंगे जैसे जैसे मैं जो भी चीज़ यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक वो चीज़ भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं फिर कैसे आप भी सेम ऐसे ही डैशबोर्ड को एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा है, एक मैंने डेटा ले रखा है जिसमें ऑर्डर डेट है, जिस तारीख को ऑर्डर आया है, नेम ऑफ कंपनी नेम है कि जिन कंपनी ने ऑर्डर किया है, सेल्स पर्सन नेम है जो सेल्स पर्सन इन कंपनी के पास जाके इनसे ऑर्डर लाए हैं, और हर सिटी में अलग अलग सेल्समैन है, स्टेट है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, जिन प्रोडक्ट का सेल हुआ है, उनका क्वांटिटी है कि उनकी सेल की जो क्वांटिटी है टोटल कितनी है, प्राइस है उनका, और लास्ट में है सेल, ठीक है। अब डैशबोर्ड के अंदर ये जो 6 स्टेप हैं, ठीक है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप भी जो है एक अच्छा डैशबोर्ड एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम इस डेटा में से एक पीवट टेबल क्रिएट करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा रहेगा हम पीवट चार्ट क्रिएट करेंगे। थर्ड हमारा रहेगा कि जो हमने पीवट चार्ट बनाए हैं उसको हम एक अलग शीट में कॉपी करेंगे। फोर्थ में क्या है, हम वहां पर इंसर्ट स्लाइसर करेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया फिल्टर के थ्रू। फिफ्थ में हम स्लाइसर को अरेंज करेंगे, और लास्ट वाला जो हमारा और इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट रहेगा कि हम सारे जो पीवट चार्ट हैं उसको इकट्ठा कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हम यहाँ पर पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, तो पीवट चार्ट जो है, सॉरी पीवट टेबल हम इसमें कितने भी क्रिएट कर सकते हैं, डेटा आपके पास जैसे भी है। तो पहला हम यहाँ ले लेते हैं ऑर्डर डेट, ठीक है, सेल, ठीक है। तो हमारा ये मंथ वाइज यहाँ पर हमें सेल मिल गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे मंथ, सॉरी वाइज सेल, ठीक है। ये ऑलरेडी नाम क्रिएट है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या है इसको कट करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबकी सेल फिगर आ गई हमारे पास कि किस किस महीने में कितना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या है यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे, कहीं पर भी आप कर सकते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पर आपको लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको करेंसी जो आपको इस तरह से दिख रही है तो इसको आप यहां से भी राइट क्लिक करके, ठीक है, फॉर्मेट सेल्स में आके यहां पर करेंसी यहां पर इस तरह से भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी यहां पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा चार्ट बन गया है मंथ वाइज, ठीक है, डेटा हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है पहले से ही। हम सेकेंड यहाँ पीवट टेबल बनाएंगे, कंपनी नेम के हिसाब से बना लेते हैं हम, ठीक है, सेल, ठीक है, ये हमारा बन गया। तो इसको भी हम यहाँ पर सॉर्ट कर लेंगे सेम ऐसे जैसे हमने पहले किया है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पर अगर हमें लिखना है टॉप 10 ऐसी कंपनी देखनी है कि भाई जिनकी सेल अच्छी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ सेलेक्टेड है, जैसे आपको यहाँ पर ओके करना है, ठीक है। तो ये टॉप 10 कंपनी आ गई है जिनकी यानी कि हाइस्ट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिनेम करके यहाँ पर लिख देंगे टॉप 10 कंपनी, ठीक है। तो दो हमारे यहाँ पीवट टेबल क्रिएट हो चुके हैं, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो रखा है, यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है, फिर पीवट टेबल के अंदर आना है हमें, यहाँ पर आके अब सेल्स पर्सन वाइज हम डेटा यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये एक तरफ हमें कॉलम में यहाँ मंथ रख देते हैं इस तरह से, ठीक
ठीक है, और सेल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ बन चुका है सबका, तो इसको भी हम यहाँ पर सॉर्ट कर लेते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स, ये हम ले लेते हैं यहाँ पर सेल्स पर्सन डेटा। ठीक है, तो हमारे तीन पिवट टेबल क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो हम एक और क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, स्टेट वाइज हम ले लेते हैं एक। ठीक है, और सॉरी सेल। ठीक है, तो ये स्टेट वाइज डेटा हमें पता चल गया है, इसको भी हम यहाँ पर सॉर्ट करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अभी ये टोटल स्टेट कितने हैं इसमें, 9 है, तो इसमें हम क्या है टॉप 5 स्टेट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉप 5 स्टेट। तो इस तरह से डेटा आपके पास जिस तरह से है उसको आप अपने हिसाब से कितने भी पिवट टेबल या चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है क्रिएट पिवट टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हमें इन सब के पिवट चार्ट क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे। ठीक है, जब इंसर्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए पिवट चार्ट है। ठीक है, अब चार्ट आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लाइनिंग ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी एक शेष हम ले लेते हैं, इसी को ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ चार्ट बन गया है, इसको ड्रैग कर सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर डेटा लेवल आपको ऐड करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये डेटा हमारा सारा आ चुका है। अब यहाँ से आप चाहें तो कुछ भी अपने हिसाब से, अगर आपको स्टाइल कोई रखना है यहाँ से तो कुछ भी आप यहाँ से इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल के अंदर काफ़ी सारे यहाँ स्टाइल हैं जो आप चूज कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, कलर आप यहाँ से कोई फिल कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे दिखाना है इसको लाइनिंग को तो इस तरह से आप यहाँ कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है, जैसे आप यहाँ टाइटल देखिए यहाँ पे, इसको अगर हटाना है तो इसको हटा सकते हैं आप। ठीक है, चार्ट टाइटल अगर आपको रखना है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको रखना है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड हैं सारी चीज़ें। ट्रेंड लाइन अगर आपको इस तरह चाहिए तो ये रख सकते हैं आप, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो टाइटल हम इसका लिख देते हैं यहाँ पर मंथ वाइज सेल। ठीक है, तो ये हमारा पहला चार्ट बन चुका है, अब हमें बनाना है टॉप 10 वाले का। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम ऐसे ही इंसर्ट में आना है आपको पिवट चार्ट में। ठीक है, तो चार्ट आप यहाँ पर कई तरह के दिखा सकते हैं, यहाँ पर हम ये चार्ट ले सकते हैं, कॉलम वाला ले सकते हैं इसमें हम ये वाला। ठीक है, चलिए इसी को ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये बन चुका हमारा ये वाला भी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर टाइटल यहाँ पर इसका लिख दें टॉप 10 कंपनी। ठीक है, सेल्स ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहां से आप जो है इसको, सॉरी यहां से आप देखो फॉर्मेट भी कर सकते हैं इसको, अगर आपको इसमें कोई अगर ऐड करना है कुछ एक्स्ट्रा इस तरह से। ठीक है, इसमें आप यहां से कई चीजें हैं तो दिखा सकते हैं आप। ठीक है, आप यहां से जो है देखिए यहां पर इस तरह से डिजाइन आ गए हैं, तो आप कोई भी डिजाइन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट टाइप के कई यहाँ पर वो हैं जो आप ले सकते हैं।
ठीक है, ये ले लिया। अब इसके अंदर वही मैंने जैसे बताया आपको, चार्ट टाइप, टाइटल है, डेटा लेबल ऑलरेडी है, सब कुछ आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अभी आपको दिख नहीं रहा तो इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं इतना, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी यहाँ पर करेंसी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो हमारा ये चार्ट भी बन चुका है। नेक्स्ट हमारा सेल्स पर्सन वाइज जो हमने बनाया था डेटा, इसका हमें इंसर्ट करना है चार्ट। तो हम पीवर चार्ट पर दोबारा आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है, पाई चार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला चार्ट बना सकते हैं हम इसमें, ये ले सकते हैं, ओके, ठीक है। ये हमारा बन गया है, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, सेल्स बाय सेल्स पर्सन, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें अगर आपको कुछ यहाँ से करना है तो यहाँ से भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। कलर यहाँ से आप कोई भी रख सकते हैं अगर रखना आपको, अदरवाइज अगर नहीं है नीट तो इसको यहाँ से आप कट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें डेटा लेबल में ऐड करना है, तो आप जैसे यहाँ पर ऐड क्लिक करेंगे, ए डेटा लेबल हो गया, ठीक है। यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जब आप आएंगे, ठीक है, तो डेटा लेबल, अब इसमें क्या है, एक चीज प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि इसमें जो क्या है कि पूरा हमें सही से दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई दूसरा चार्ट यहाँ ले लेते हैं जिसमें हमें पूरी तरह से यहाँ विजिबल हो जाए। तो चार्ट आपको इसमें वही रखना है जो आपको विजिबल हो। ये देखिए जैसे ये वाला है, ठीक है, अभी हमारा विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो सबकी यहाँ फिगर भी आ गई है सबकी इस तरह से, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ ड्रैग कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं इसमें भी हम, यहाँ पर वैल्यू में आके टॉप 20 दिखा सकते हैं, ठीक है। 20 ये सेल्स में आ चुके हैं, अगर हम यहाँ देखें ये आ गए, ठीक है। अब इसको हम चाहें तो यहाँ चार्ट कोई दूसरा ले सकते हैं, कॉलम वाला, हाँ कॉलम वाला बेटर है, ठीक है। ये वाला हम यहाँ चूज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा ये बन गया है टॉप, इसका हम टाइटल यहाँ पर चेंज कर देंगे, टॉप 20 सेल्स पर्सन, ठीक है। तो ये डेटा उनका है जो टॉप 20 ऐसे सेल्स पर्सन है जिनकी जो है सेल हाईएस्ट है, ठीक है। ये हमारा ये बन गया चार्ट, और लास्ट वाला चार्ट है हमारा टॉप 5 स्टेट वाला, ठीक है। तो उसके लिए भी सेम हमें इंसर्ट में आना है, पीवर चार्ट में हम आएंगे। तो यहाँ पर आप क्या है, इसके लिए हम पाई यूज कर सकते हैं क्योंकि डेटा कम है इसका, ठीक है। तो पाई में हम ये ले सकते हैं या इस तरह से इसको ले सकते हैं, ठीक है, ओके। देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, डेटा लेबल यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, टॉप 5 स्टेट, सॉरी स्टेट सेल्स डेटा, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आपको यहाँ से कोई फिल करना है इसमें या कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ से आप ऑप्शन ऑप्शन देखिए कई तरह के हैं, यहाँ से आप जो है कोई भी कुछ भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 20% के साथ चाहिए तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई तरह के ऑप्शन हैं, ठीक है। आई थिंक ये वाला बेस्ट है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन कई सारे हैं जो आपको यहाँ सही लगता है, ठीक है। ये देखिए ये वाला ऑप्शन है जो आपको सही लगता है, ठीक है।
यस को इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट यहाँ पर बन चुके हैं, चार तरह के चार्ट, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या है, जो सेकेंड वाला स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा है अगला स्टेप, हमें जितने भी हमने पिवट चार्ट बनाए हैं उसको हमने नई शीट में कॉपी करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट, एक शीट इंसर्ट करनी है। व्यू में हम आएंगे, जितना भी यहाँ ग्रैड लाइन है इसको हमने सबको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा आपको। तो अब हम क्या है, वन बाय वन जो है जितने भी पिवट चार्ट हमने क्रिएट किए हैं उसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको यहाँ रखें या यहाँ रख देते हैं, ठीक है। पहला चार्ट कॉपी हो गया हमारा। देन हमारा है अगला चार्ट टॉप 10 सेल्स, ठीक है। इसको हम कंट्रोल सी करेंगे और इसको हम यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। इसको हम अरेंज बाद में कर लेंगे या इसको अभी हम कर ही लेते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से यहाँ थोड़ा ही करेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे। ये वाला चार्ट है इसको हम थोड़ा इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। हमारा टॉप 10 कंपनी वाला डेटा आ चुका है। अब हमारा है सेल्स पर्सन वाला डेटा, इसको भी हम जो है कॉपी करेंगे और इसको हम जो है यहां पर कर देंगे कॉपी, ठीक है। टॉप 20 वाला हो गया हमारा। अब हमारा है टॉप 5 स्टेट वाला, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे यहां से, ठीक है। इसको हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें बस इसको सही से अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसको यहां तक इस तरह से ले आएंगे, ठीक है। अब ये यहां पर देखिए थोड़ा ये बड़ा हो गया है, तो इसको हम यहां पर थोड़ा ओके, ये आ गया हमारा। और लास्ट हमारा है टॉप 20 सेल्स पर्सन, क्योंकि इसके लिए चार्ट बड़ा है तो इसको हम थोड़ा और यहां पर स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा यहां पर बराबर ले आएंगे, ठीक है। तो अभी हमने जितने भी चार्ट बनाए थे, मंथ वाइज सेल चार्ट बनाया था वो हमने ऊपर टॉप में रख दिया, टॉप 10 कंपनी सेल्स हमने यहाँ रख दी, टॉप 5 स्टेट सेल्स डेटा हमने यहाँ रख दिया, टोटल अमाउंट के साथ विद परसेंटेज के साथ हमने यहाँ पाई चार्ट यूज किया है, और लास्ट में हमारा है टॉप 20 ऐसे सेल्स पर्सन जिनकी यानी कि हाईएस्ट सेल रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा यह थर्ड स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा है फोर्थ स्टेप, क्या हमें यहाँ पर स्लाइसर को जो है इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ आना है, तो किसी भी पिवट चार्ट पर आप क्लिक करके राइट क्लिक आपको करना है, तो राइट क्लिक करेंगे तो एनालाइज पर आपको आना है। यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जब इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आएगा तो देखिए इसमें सारे ये आ गए हैं कि आपको किस चीज़ का यहाँ पर फिल्टर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मंथ और ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये एक स्लाइसर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर स्लाइसर आप कितने भी ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अगर चाहते हैं हमें यहाँ पर एक स्लाइसर और ऐड करना है, तो स्लाइसर यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी ले सकते हैं। तो अभी मैं कुछ एक दो स्लाइसर यहाँ यूज कर रहा हूँ, स्टेट, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा यहाँ आ गया। अब देखिए हमारा जो ये वाला स्टेप था, फोर्थ वाला भी हो गया, अब हम फिफ्थ वाले में आ गए हैं। तो ये फिफ्थ वाले में हमें इसको अरेंज करना है। अरेंज के लिए इसको आपने क्लिक करना है, अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, नहीं ये ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। ये मंथ का हो गया हमारा,
और यहाँ भी हम क्लिक करेंगे इस तरह से, इसको भी हम अरेंज करेंगे। आपको अरेंज उतना ही करना है कि आपको उसमें फिल्टर दिख जाए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने दो स्लाइसर ऐड कर दिए हैं मंथ वाइज, इसको हम थोड़ा इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। और इसको भी हम थोड़ा इस तरह से यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। आई थिंक ये वाला जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम क्या है, इसको भी हम इसके बराबर ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने स्लाइसर इंसर्ट भी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर क्या है स्लाइसर, इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर यहाँ तक ले आ सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइसर अभी मैंने यहाँ दो ही यूज किया है, एक मंथ वाइज और एक स्टेट वाइज, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट और फाइनल स्टेप है कि हमें इसको पिवट चार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर ऑप्शन है रिपोर्ट कनेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ देखिए जितने भी हमने पिवट चार्ट बनाए सभी की यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो रखा है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ मैंने पहले बनाए थे उनको मैंने सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सेल्स पर्सन, मुझे डेटा देखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ जो चार्ट क्रिएट किए हैं वो किस तरह से किए हैं। सेल्स पर्सन डेटा, ठीक है। फिर हमारे ये रहे, ठीक है। तो सभी यहाँ पर जितने भी थे सब यहाँ ऐड हो चुके हैं। मंथ वाइज सेल था हमारा टॉप 10 सेल्स कंपनी नेम आया नहीं आया, आ गया है। और टॉप 5 सेल्स आ गया, टॉप 20 ये आ गया, ठीक है। और टॉप 10 कंपनी सेल, ठीक है। तो अब देखिए हम किसी एक पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए जैसे मैंने अप्रैल में क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे ये यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया सब जगह, ये आप देखिए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर हटा रहा हूँ। जनवरी में क्लिक किया है तो देखिए जनवरी में कहीं भी कोई सेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सब मामला कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है। तो सब जगह यहाँ पर कुछ नहीं आया, ठीक है। अब ये हमने ले लिया मंथ वाइज। अब सपोज करो स्टेट वाइज अगर चेक करना है हमने किसी को, बिहार का मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए बिहार का ये आ गया, आई थिंक इसमें जो ये वाला है इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने वो उसको रिकनेक्ट किया कि नहीं किया। टॉप 5 स्टेट सेल्स डेटा, हाँ ये वाला हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट नहीं किया इसलिए ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो आपको ये याद रखना है कि राइट क्लिक जब आप करेंगे जितने भी आपने पिवट टेबल बनाए हैं उनको आपको इस तरह से वन बाय वन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसको ओके कर दूंगा मैं। अब चलो हम चेक करते हैं। अब देखिए हरियाणा का आ गया है, ये देखिए हरियाणा यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर टॉप में आप देख रहे होंगे इस तरह से, ये टॉप 20 वो है परफॉर्मर है, ठीक है। जून में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ भी आप ये देख रहे होंगे ये सारी चीजें यहाँ भी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसको हम यहां से भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो अगर आपको सेल्स पर्सन वाइज भी अगर चाहिए यहां पर स्लाइसर तो वो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहां पर आना है स्लाइसर सेल्स पर्सन, ठीक है। तो ये एक सेल्स पर्सन का भी हमने यहाँ पर स्लाइसर ऐड कर दिया, ठीक है। टॉप 20 सेल्स पर्सन,
राइट क्लिक करके एक बार हम चेक कर लेंगे टॉप 20 स्वेल्स पर्सन इसमें है कि नहीं है। सेल्स पर्सन डेटा ठीक है, सिलेक्टेड है ये वाला है, ठीक है ओके कर दीजिए। तो यहाँ से आप जो है इस तरह से भी देखिए, यहाँ हेमलता कुमारी का यहाँ पर इस तरह से आ गया, ठीक है कमल का इस तरह आ गया। तो जो चीज़ यहाँ पर हो रही है वो चीज़ सेम यहाँ भी आ रही है, ठीक है। मंथ वाइज में हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए मैंने अगस्त में क्लिक किया तो अगस्त की फिगर आ गई टोटल सेल कितनी हुई है, और यहाँ भी वो चीज़ सेम। ये टॉप है, तीन स्टेट की यहाँ सेल हुई है, महाराष्ट्र बिहार एंड झारखंड, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने एक्सेल में डैशबोर्ड को क्रिएट किया है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। अगर आप इन 6 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप जो है एक अच्छा सा डैशबोर्ड जो है एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। इसमें देखिए 6 स्टेप थे, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने पिवट टेबल क्रिएट किया है, फिर पिवट चार्ट बनाया उसको, फिर जितने भी हमने पिवट चार्ट क्रिएट किए थे उसको हमने अलग शीट में वहाँ पर बनाया, फिर हमने स्लाइसर इंसर्ट किए, फिर उन स्लाइसरों को अरेंज किया, और लास्ट वाला पार्ट हमने जो बताया मैंने आपको कि सभी पिवट चार्ट को हमने आपस में कनेक्ट किया यहाँ पर राइट क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आना है, जब आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपने पिवट चार्ट क्रिएट कर रखे हैं उन सभी की यहाँ लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।